अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं टीटीवी पर एक्सप्रेस न्यूज। जिले में एक नौजवान का अपनी कजन के साथ माशूका चल रहा था, इस बात पर उसने बीबी को मार डाला। वालिदैन का इल्जाम है कि उसके शोहर ने उसे जलाकर मार डाला। बहू को बचाने की कोशिश में सास भी झुलस गई। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। 12वीं क्लास की 3 लड़कियों के हिजाब पहनने पर हंगामा। कानपुर के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची 3 तालिबात को कॉलेज से निकाल दिया गया। स्कूल इंतजामिया तालिबात पर ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा रहा है, जबकि तालिबात का इल्जाम है कि टीचर ने उन्हें मदरसे जाकर पढ़ने के लिए कहा। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जया बच्चन और चेयरमैन जगदीप धनखड़ के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ पर इल्जाम लगाया कि आपका लहजा ठीक नहीं। जया बच्चन ने कहा, मैं एक फनकार हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं इजहार को समझती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मौजे रखा हूँ, लेकिन आपका लहजा ठीक नहीं। 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने के वादे करते हुए फेरे लेने वाले कर्नाटक के दूल्हा दुल्हन की शादी के कुछ घंटों बाद ही हो गई मौत। वो एक दूसरे से झगड़ पड़े और ये वारदात पेश आए। शादी की रात नवीन और उसकी बीवी के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। नवीन ने बीवी पर खंजर से हमला कर दिया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया को दी जमानत। मनीष सिसोदिया 16 माह से ज्यादा की जेल के बाद होंगे रिहा। मुबैना शराब घोटाले में मुकदमे की समाअत शुरू करने में ताखीर के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की जमानत को सच्चाई की जीत करार दिया। कहा कि एक साजिश के तहत उन्हें 17 माह तक जेल में रखा। आपने एक्स पर लिखा, आप साथ सच की जीत हुई। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाकया पेश आया। नशे में धुत खातून ने बस कंडक्टर पर सांप डाल दिया। ये वाकया शहर के विद्यानगर बस स्टॉप के पास पेश आया। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। ताहम जब तक सांप पी जा चुका था, पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाके मल्लापुर के पास राउडी शीटर रियाज उर्फ जंगली रियाज उर्फ मेंटल रियाज का कत्ल कर दिया गया। कार से टक्कर देने के बाद राउडी शीटर पर फायरिंग कर दी गई और मौलिक हथियारों से हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस मुकामी इलाके पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकल कर दिया। तेलंगाना के निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक अहलेदार के मकान से करोड़ों रुपए जब्त। नोटों की गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल। एसीबी की अहम कार्रवाई के दौरान खतीर रकम और असासों का पर्दाफाश। तलाशी के दौरान एसीबी ने 2.93 करोड़ की नकद रकम और 1.98 करोड़ रुपए कर लिए जब्त। राजेंद्र नगर में पीवीएनआर एक्सप्रेस वे पर एक कार के बेकाबू होकर दूसरी कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अपराध जख्मी हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल में मुंतकल कर दिया गया। पुलिस को शुभ है कि तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चलाने से हादसा पेश आया। सिरसिला में आवारा कुत्तों ने 4 बच्चों पर हमला कर दिया। बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे कि आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर दवाखाना ले जाया गया। बरहम इलाके के लोगों ने कार्रवाई का मुतालबा किया। निजामाबाद में माली परेशानियों ने किसान को खुदकुशी पर कर दिया मजबूर। निजामाबाद में एक मकरूज किसान ने बढ़ते हुए कर्जों और इमदाद की कमी की वजह से अपनी जिंदगी का कर लिया खात्मा। बूढ़ी खातून ने बेटे की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर पुलिस से मदद तलब की। कोनापुर कोडीमाल की एक 80 साल खातून ने अपने बेटे और बहू की जानिब से नजरअंदाज किए जाने और हरासा किए जाने का इल्जाम लगाया और पुलिस से फौरी मदद की अपील की। केटिया ने सुनके जिला प्रोजेक्ट के हादसे की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर पर्दा डालने का इल्जाम लगाया। केटिया ने सुनके जिला हादसे के लिए एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने पर जोर दिया और एहतसाब को यकीनी बनाने अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। पेदापुर गुरुकुल स्कूल में 10 दिनों के अंदर 2 मौत के बाद खौफो हिरास फैल गया। स्कूल में 10 दिनों के अंदर 2 तालिबे इल्मों की मौत हो गई, जबकि कई दीगर बीमार हो गए, जिन्हें कोरटला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक किया गया। और अब इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ यहीं पर खत्म हुई। आप इजाजत दीजिए और देखते रहिए टीटीवी।